खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर शहर में 2 मई को दो सगी बहनों के साथ हुए गैंगरेप के मामले में प्रताप नगर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों पीड़ित सगी बहनों की एक ही सगी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सगी बहन की दोनों पीड़ितों से अनबन चल रही थी और इस अनबन के चलते सगी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सगी बहन के बॉयफ्रेंड ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले दोनों पीड़ितों का किडनैप किया, बंदूक की नोक पर गैंगरेप किया। उसके बाद बदमाश दोनों पीड़ितों को बस स्टॉप पर छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए लोगों में 3 नाबालिग शामिल हैं, साथ ही 2 आरोपी दयाराम और रविंद्र मीणा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर से एक खबर है और रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खबर। जब एक सगी बहन ने ही अपनी 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म कराया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने ये साजिश रची। हालांकि अब पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। अनबन बहन से चल रही थी और इसी अनबन के चलते सगी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सगी बहन के बॉयफ्रेंड ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले दोनों पीड़ितों का किडनैप किया, मतलब पूरी प्लानिंग यहाँ पे की गई। किडनैपिंग पहले की गई, उसके बाद बंदूक की नोक पर गैंगरेप भी किया गया। और हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, ये अपने आप में शायद पहला ऐसा मामला होगा और शर्मसार करने वाला, जब एक बहन ने, सगी बहन ने ही अपनी बहनों का रेप करवाया। जी हाँ, देखिएगा, ये बड़े शर्मसार कर देने वाला मामला है। जिस तरह के प्रताप नगर के अंदर 2 मई को ये पूरा मामला आया था, 2 सगी बहनों के साथ हुए गैंगरेप मामले के अंदर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं और 3 एक महिला और 2 पुरुष हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि आरोपी में दयाराम और रविंदर और दोनों सगी बहनों की एक बहन है। उन दोनों ने मिलकर उनको पहले सगी बहनों के साथ गैंगरेप करवाया, उनको धमकाया, डराया और उनको छोड़ के फरार हो गए। क्योंकि दोनों ही बहनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद अब पूरी हिम्मत दिखाई, हिम्मत जुटा के प्रताप नगर थाने के अंदर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जिस तरह के जो सबूत मिले थे और उसके आधार के ऊपर अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 3 नाबालिग जो है उनको निरुद्ध किया है। जी जियाउद्दीन, परिवार में इन 3 बहनों के अलावा कौन कौन है? देखिएगा, अब तक ये पूरा सामने नहीं आ पाया इन 3 बहनों के अलावा कौन कौन है, क्योंकि ये मामला बड़ा ही हैरान कर देने वाला है। जिस तरह से रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई थी, उसके बाद पूरे पुलिस महकमे के जो अधिकारी, जांच अधिकारी, वो भी सकते के अंदर आ गए थे, क्योंकि इसमें मुख्य सूत्रधार जो थी वो बहन ही निकली और उसी ने ही अपनी बहनों का दुष्कर्म करवाया। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि अब तक पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से बता नहीं पाई पुलिस, क्योंकि इसके पूरे मामले की जांच भी जारी है। जी, कितने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है? जैसे आपने बताया 3 नाबालिग इसमें शामिल है, इसके अलावा कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए और कितने मौजूद थे, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिएगा, उन्होंने आरोप लगाया था 4 लोगों पर, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 को गिरफ्तार किया और जो 3 नाबालिग है उनको निरुद्ध किया गया है, क्योंकि नाबालिग को गिरफ्तार नहीं किया जाता था, इसके अंदर निरुद्ध किया गया है विधि संगत। और इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस ने ये पूरे मामले का खुलासा कर दिया कौन कौन इसके अंदर शामिल था, क्योंकि सबसे पहले जो पीड़िता को मेडिकल करवाया था, बयान करवाया था, उनके बयानों के आधार के ऊपर इन सबकी गिरफ्तारी की गई है। जी मेगा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन पूरी जानकारी के लिए।